हेलो एंड वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू एंड आई एम कुश पांडे। आपका स्वागत है हमारे खास शो में। इस शो में हम रोज़ फोकस कर रहे हैं उन वेरी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जामिनेशन। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द शो, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई साइड। वेल, दिस पर्टिकुलर शो इज़ अ 30 to 45 मिनट शो इन विच वी कवर एट मिनिमम 20-25 हेडलाइंस, एंड अगर हर हेडलाइन को हम 2 मिनट डिस्कस भी करेंगे तो दैट इज़ अराउंड 45 or 50 मिनट्स। सो अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दोज हेडलाइंस, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ नो सच रीज़न टू डिस्कस विद एनी वे एल्स। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द शो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग मी एंड वी आर नाउ स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर शो। बिफोर स्टार्टिंग द शो, एज द रिचुअल सेज, लेट्स हैव द मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall, don't turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. The legendary words from one of my favorite sports person, Michael Jordan. कोई भी आपके सामने दुविधा आए, आप उससे भागे मत, उसका सोल्यूशन ढूंढे, ज़रूर आप उसमें सफलता पाएंगे। लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन गाइस। सो वी हैव कवर्ड द मोटिवेशनल कोट एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन आर इम्पॉर्टेंट हेडलाइन सेक्शन जो कि ये रहा आपके सामने। उससे पहले दोस्तों, आई अगेन डिस्कस आफ्टर द शो, आई विल अपलोड दी Google Drive link of our PDF. That link shall be provided once the show is over. All right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दे चलते हैं हमारी next headlines पर जो कि ये रही अब आपके सामने. Okay? These are the 10 headlines, guys. The first one is Air India privatization plan shelved. We all know that the government was trying to disinvest the Air India company. वो जो Air India के shares थे उसको करीब 76% stake को बेचने वाला था, पर वो अब plan हट गया है. Then we have a mimicry artist that he is no more, उसकी बात करेंगे. Then Andhra Pradesh police has become the first ever state to have an app for crimes. Then we have Punjab which is offering samplings through a mobile app, एक app के ज़रिए वो samplings को आपके घर पर different ranches में offer कर रहा है. Then according to a survey, the highest risk of cardiovascular diseases, heart attack, ये सारे जो diseases हैं उनमें number one जो state है that is Kerala. We'll discuss this in detail. Then Mr. Bakshi, according to the experts, according to different brokerages, he will take over from Ms. Chanda Kochar as the new CEO of the ICICI Bank. We all know that the current CEO, Mrs. Chanda Kochar, she is under question because there were various doubts about her husband's deals directly with the ICICI Bank. Then a World Cup legend of football from the US, he has passed away. We'll discuss in detail. Then England has scored the highest ever one day score by any men's cricket team. We all know New Zealand holds a record for the women's or the overall, but in terms of the men's cricket, England has scored 481 for 6. That is a new world record for men's cricket. Then a rare species has been found of spider, and it has been found again after 150 years. 150 saal pehle, dekho volume zara ek baar aap check kar lijiye, because volume ki demand bacche har baar karte hain, ek baar वॉल्यूम को भी चेक कर लिया जाए। तो 150 सालों के बाद पहली बार एक रेयर स्पीशीज ऑफ स्पाइडर फाउंड किया गया। एंड देन वी हैव द ओल्डेस्ट सुमारटान और सुमतरान ओरंगुटान विच इज अ नेटिव ऑफ मालदीव्स एंड अदर कंट्रीज हैज पास्ड अवे एट 62। तो ये हमारी टॉप 10 हेडलाइंस है। आई होप दीज टॉप 10 हेडलाइंस एवरीवन हैज अंडरस्टैंड द ब्रीफ प्रीव्यू। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पीपीटी वेयर वी हैव अगेन 10 हेडलाइंस गाइस, एंड दीज आर फ्रॉम द 19th ऑफ जून। चंदा कोचर टू गो ऑन लीव टिल प्रोब गेट्स ओवर, ये खबर एक दिन पहले की है जहां चंदा कोचर ने कहा कि शी इज़ गोइंग ऑन अ लीव एंड अल्टिल देन मिस्टर बख्शी विल बी द इंटरिम चीफ ऑफ द एंटायर ICICI बैंक ऑपरेशंस। देन रानी रशमोनी विच इज़ अ फास्ट पेट्रोल वेसल, इट हैज़ बीन कमीशनड इन विशाखापत्तनम, तो उसकी बात करेंगे। देन देर इज़ अ न्यू रेगुलेटर विच विल फॉर्मुलेट एंड मैनेज द पेपर्स इंक्लूडिंग द IIT JEE एंड द
other papers. So CBSC say the mantle will be taken and it will be given to a new regulator which will regulate examinations. Then CTET, we all know about the examination. The CTET examination will continue to be in 20 languages. Earlier it was said that it was curtailed to 3 languages, for example English, Hindi, Sanskrit, but now it will be continued to be in 20 languages. Then Viswa Bharati University will set up a yoga village in its premises. Apne hi premises mein wo Rabindranath Tagore yoga village ko set up karega. Then India and US meet will happen, in which 2 plus 2 will happen. Now what is 2 plus 2, guys? 2 plus 2 is the foreign minister and the defense minister, that is Mrs. Nirmala Sitharaman and Mrs. Sushma Swaraj, they will meet their counterparts in the US. So US mein apne counterparts ko meet karenge. Then according to RBI, they have changed the definition of relative. Ek sambandhi ki definition unhone change ki hai for transfers from India to other countries. Agar aapko desh ke bahar paisa transfer karna hai, then the definition for transferring to relatives, that has been changed. Then a fifth national data center shall be set up in Bhopal. Paytm acquires startup Q26 and Koepka, he has defended his US Open golf title and he has won it for the second consecutive time. Ek baar sawal aa raha hai from Mayur Meshram, and koi comments mein dal de the full form of CTET. Let's come back to the screen, guys. So guys, I hope everyone is already on all set, because now we have balti bhar ke headlines. Today we have 20 headlines, and agar hub mein 2 minute bhi diya to aaj 45 minutes se 50 minute lagega. To koi question nahi karega mere intent ko, because the reason, because 2 minute to aap har headline ko denge hi. चलिए शुरू करते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी फर्स्ट इमेज पर, जो कि ये रही अब आपके सामने. Air India privatization plan has been shelved. Let's come back to the screen, guys. So according to the government, 76% of the government India shares were to be sold and there were no bidders. Koi bhi bidder nahi mila. According to the government committee, which is headed by Arun Jaitley, unka manna hai, the reason is the increase in the fuel prices. Since the fuel prices were increased, because of which there is no bidders for Air India. तो चलिए दिखाते हैं आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. द गवर्नमेंट हैज शेल्व्ड इट्स प्लान टू प्राइवेटाइज एयर इंडिया एग्जैक्टली अ ईयर आफ्टर यूनियन कैबिनेट गेव इट्स नॉट फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस. गाइस, डिसइन्वेस्टमेंट, आई होप एवरीवन नोज इट, व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स इट्स कंपनी शेयर्स either for generating capital or for recovering losses, such a process is called as disinvestment. इसे हिंदी में हम विनिवेश भी कहते हैं, तो उन्होंने इसको हटा दिया है. Now, according to them, the lack of interest by the bidders was due to the rise of fuel prices. Now, this decision was taken by the committee head, that is Mr. Arun Jaitley. The government had offered to sell 76% of the stake. It included the Air India Express along with 50% shares in the ground handling arm, that is AISATS, इसका फुल फॉर्म गूगल कर लीजिएगा, एज अ सिंगल एंटिटी. तो एक कंबाइंड पैकेज डील था इन विच 76% ओनरशिप ऑफ एयर इंडिया, टोटल ओनरशिप ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड 50% ओनरशिप ऑफ AISATS, जिसको आप गूगल कर लेंगे इसका फुल फॉर्म. एंड साथ ही साथ द बायर हैड टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द लाइबिलिटीज ऑफ 33,392 crores. तो ये एक पैकेज था जो कि फोर्थ पॉइंट्स को मार्क कर दीजिएगा, एंड इस पैकेज को अब किसी ने स्वीकारा नहीं है. सो गाइज, अंडरस्टैंड, एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन प्लान हैज़ बीन शेल्ड बाय द गवर्नमेंट. अब एयर इंडिया को वो बेचेगा नहीं, इट विल कम फॉरवर्ड विद द न्यू प्लान. देखते हैं वो प्लान आपका क्या हो सकता है. चलिए, तो ये फोर्थ पॉइंट जरा मार्क कर दीजिएगा, दिस इज अगैन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको एक बार आप देख सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट इमेज, गाइस, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर द इमेज, गाइस, एंड ये रही आपके सामने द इमेज. थोड़ा समय लग रहा है पर इमेज आएगा. मिमिक्री आर्टिस्ट वेणु माधव इज नो मोर. नाउ गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल हेडलाइन. देखिए, ऑबिचुरीज का सवाल कुछ भी आ सकता है. अगर आपको लगता है कोई बहुत ही फेमस आदमी का देहांत होगा, वही आएगा. दैट इज़ एरोनियस, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू रिगार्डिंग एनी सच स्टफ़. वो आपसे किसी भी स्टफ़ पर पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर तो आप बिल्कुल भी सतर्क रहिएगा कि दे कैन आस्क यू रिगार्डिंग
एनी सच स्टफ. ऑल राइट, तो चलिए, ये है हमारे, इनका नाम है मिस्टर वेणु माधव, एंड बेसिकली ही इज़ अ रिनाउंड मिमिक्री आर्टिस्ट. ही हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज 85, एंड ही रोज टू फेम आफ्टर हिज परफॉर्मेंस एट द यूनाइटेड नेशंस. ही वॉज ऑल्सो अ पद्मश्री अवॉर्डी इन 2001. तो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, उनका नाम है वेणु माधव, ही हैज़ पास्ड अवे. वापस स्क्रीन पर आते हैं. सवाल यहाँ पर एक ही बनेगा, देर विल बी ओनली वन क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन विल बी लेट श्री वेणु माधव वॉज अ फेमस. तो आंसर वहां पर होगा मिमिक्री आर्टिस्ट. बहुत ही आसान सा ये सवाल बनेगा. आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली मैच पर. दोस्तों अगर पसंद आ रहा है एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा यस सर वी आर लाइकिंग द शो टू द टी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको शो पूरी तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा है. दोस्तों अगली खबर आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आ गई है, और वो खबर बता रही है आपको अबाउट आंध्र प्रदेश. The Andhra Pradesh police has become, because of the Andhra Pradesh police having an app for the crime records, it has become the very first state to complete automation of crime records bureau. दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिए दिया भी हुआ है कि basically it's an IT based app जिसका main काम जो है is to provide collection of data for hundreds of crimes in the state itself. तो उसके लिए ये आपका यहाँ पर काम करेगा. जरा वापस स्क्रीन पर आते हैं. The name of the app guys is the app or the information app, and this particular app will provide hundreds and thousands of data to the police for crime and the crime records. इससे पहले होता क्या था, इससे पहले they had to manually check, उन्हें manually check करना पड़ता था कि data कहाँ है, कैसा है और क्या होगा. So now Andhra Pradesh has become the very first state to have such an app. एक बार ले चले आप सबकी डिमांड पर द हिंदू शॉर्ट्स, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर. The Andhra Pradesh police, who led in using crime data analytics and big data applications, have now become the first in the country to complete automation of the state crime records bureau. Now the complete automation or the complete automaticity of the bureau happened because of an app called as iApp. Through an iApp, the police can get access to the entire information of crimes under various IPC sections. IPC stand for Indian Penal Code. So jitne bhi aapke crimes hain जो कि IPC के अंतर्गत आते हैं, उनमें उनको ऑटोमेटिक एक्सेस मिलेगा. द ऐप शैल हेल्प द पुलिस टू चेक इनटू इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. नाउ बेसिकली इट्स एन IT बेस्ड एप्लीकेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन मोबाइल एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट. इट इज़ अ रेवोल्यूशन बिकॉज इससे जो घंटों घंटों लोग डेटा रखते थे, दैट आवर्स ऑफ डेटा, दैट हंड्रेड्स ऑफ मैन आवर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड. द इंफॉर्मेशन इज नाउ अवेलेबल ऑन अ टच. एक बार टच किया और आपको सारी जानकारी उस ऐप पर या उस वेबसाइट पर मिल जाएगी. सो बहुत ही सिंपल सवाल बनेगा यहां पर. विच स्टेट हैज बिकम द वेरी फर्स्ट स्टेट टू हैव एन ऐप टू हैव अ स्पेसिफिकली ऑटोमेशन ऑफ ऑल इट्स स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो. द आंसर विल बी आंध्र प्रदेश. नाउ एज हैज बीन द ट्रेंड, बिकॉज AP is in news, because Andhra is in news, इस पर static सवाल भी बनेगा. तो क्या आप सब तैयार हैं? Because कई लोग question करते हैं कि इस तरह से static मत दिया करो, but भाई मैं आपका भला चाहता हूँ, मैं आपकी मकारे नहीं चाहता हूँ. I only request to everyone that static पे focus करें. तो let's have the static shots of Andhra Pradesh. The statehood, when was Andhra Pradesh formed? The Andhra Pradesh state was formed in the year 1956. 1956 में ये आपका बना था. In terms of the capital guys, Amaravati, that is the capital. Earlier the capital was Hyderabad, पर अब जो capital है that is Amaravati. Similarly, the largest city in the entire AP state is Vishakhapatnam. Similarly, the largest district in Andhra Pradesh is Anantapur. So there are two different things. The largest city is Vishakhapatnam, the largest district is Anantapur. Similarly, the current CM is the wealthiest CM of India, that is Mr. N. Chandrababu Naidu. The governor is Mr. E. S. L. Narasimhan. In terms of Lok Sabha seats, the number is 2525. The state animal has been changed, it is black buck. The state bird is rose-rigged parakeet. The state flower is jasmine and the state tree is neem. So black buck, rose-rigged parakeet, jasmine and neem. Similarly, the state of Andhra Pradesh is known as the egg bowl of Asia. Ye Asia ka egg bowl isko kaha jata hai. Now agar hum baat kare jara 9 point ko aap mark kar dijiye bade acche se ki in the state of Andhra Pradesh there are three areas. It consists of plains,
वहाँ पर प्लेन्स भी हैं, वहाँ पर पठार प्लाटोज भी हैं, एंड वहाँ पर आपके पर्वत भी हैं. सो इट हैज़ प्लेन्स, इट हैज़ प्लाटोज एंड इट हैज़ माउंटेन्स. नाउ द प्लेन्स आर कॉल्ड एज द आंध्रा प्लेन्स, द प्लाटो आर कॉल्ड एज द रायलसीमा प्लाटो विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द खम्मम प्लाटो, द माउंटेन्स आर कॉल्ड एज द ईस्टर्न घाट्स एंड द विजयवाड़ा हिल्स. आई हैव बीन टू हैदराबाद विच वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ आंध्रा, एंड बहुत सुंदर आपका ये विजयवाड़ा हिल्स हैं, द ईस्टर्न घाट्स हैं. सिमिलरली बात करें इंपॉर्टेंट रिवर्स की, कृष्णा, पेनेरू एंड गोदावरी, ये तीन वहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. देन मेन क्रॉप्स में राइस है, ज्वार है, बाजरा है, वीट है, मेज़ है. एंड इंडिया में इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर इट इज़ द नंबर वन स्टेट, मैंगनीज ओर में नंबर वन स्टेट, एंड ऑल्सो इट इज़ द नंबर वन स्टेट इन आयरन ओर एंड मैंगनीज, जो कि यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है. सो दीज आर द 12 पॉइंट्स ऑफ द स्टैटिक जी के. आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग पॉइंट्स गाइस. इन टर्म्स ऑफ डैम्स, द कृष्णा रिवर हैज़ डैम्स कॉल्ड एज श्री सेलम, नागा अर्जुन सागर, पराकसम, बराज, दीज आर द 3 डैम्स ऑफ कृष्णा. सिमिलरली गोदावरी गाइस, धौलेश्वरम बराज, पोलावरम प्रोजेक्ट, दीज आर द 2 डैम्स ऑन गोदावरी. द प्रिंसिपल लैंग्वेज, उनकी मेन भाषा कौन सी है, इट इज़ तेलुगु. देखिए, एंड आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस. Many and including me till about 2 years back, we were very confused. I personally was very confused. What is the language? So guys, आपका state है, आपकी country है, आप जाने. Telugu is the language of Andhra Pradesh. Urdu is also the secondary language. Important dance forms, Kuchipudi, Andhra Nrityam, these are the 2 dance forms. Similarly, the main festival is Ugadi. Ugadi is the new year of the Telugu people, that is the new year in Andhra Pradesh. In terms of national parks, Sri Venkateswara National Park, Gundla Brahmeswaram Park, Koringa National Park and the Ali Sagar Deer Park. These are the 4 national parks of Andhra. Similarly, in terms of stadiums guys, the ACA VDCA Stadium, which is in Vishakhapatnam, it is a very famous cricket stadium, and I have been fortunate enough to witness a cricket match in Vishakhapatnam. It is a pretty beautiful stadium. In terms of important cities guys, Amaravati is called as riverfront capital, Guntur is famous for chili and tobacco, Vishakhapatnam is the financial capital of Andhra, and Tirupati is the spiritual capital of Andhra Pradesh. So let's come back to the screen guys. So we've discussed all the important points of Andhra. Now let's focus on the next image, and if you are loving the static content, then please don't hesitate to give a thumbs up to this particular show. आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट सेक्शन. पंजाब ऑफर्स सैपलिंग्स थ्रू अ मोबाइल ऐप. द पंजाब गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे लॉन्च्ड अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन दैट लेट्स यूजर्स ऑर्डर फ्री प्लांट सैपलिंग्स, ऑफिशियल सेड. द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप इज द आई हरियाली ऐप, विच इज अंडर मिशन तंदुरुस्त, दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऐप स्टोर फॉर फ्री. तो पंजाब सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है दोस्तों. उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है द आई हरियाली ऐप, नंबर 1. नंबर 2, दिस ऐप इज़ अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ मिशन तंदुरुस्त, और ये पंजाब में आपका लॉन्च हुआ है. दोस्तों, जब आपको इसका PDF मिलेगा तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है. इट इज़ द लिंक ऑफ द मोस्ट फॉलोड वेबसाइट फॉर बैंकिंग SSC, दैट इज़ द bankersadda.com. तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे, यू विल फाइंड द स्टैटिक डिटेल्स अबाउट द स्टेट ऑफ पंजाब. ऑलराइट, तो प्लीज़ इस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करिएगा जब आपको PDF मिल जाएगा, एंड वहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा. सो आई हरियाली ऐप हैज बीन बेसिकली लॉन्च्ड इन हरियाणा, एंड इट इज अंडर द प्रोजेक्ट दैट इज मिशन तंदुरुस्त. बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसके स्टैटिक शॉट्स में, वो इस लिंक पर जाके आफ्टर द शो दे कैन गो थ्रू द ऑल द स्टैटिक शॉट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ले चलते हैं हमारी नेक्स्ट इमेज पे गाइस. As discussed earlier, the Keralites face the highest risk of cardiovascular disease, fine study. Let's come back to the screen guys, and I'll take just 10 seconds of you. Guys, you all are preparing for banking. You do not have to be masters in medicine, masters in science, masters in maths, masters in sports. No, you have to be aware. So for example, if I have to understand this headline, what I'll discuss? For me, cardiovascular disease to a larger extent is heart attacks.
सो इन टर्म्स ऑफ हार्ट एलिमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, केरला स्टेट इज द हाइएस्ट स्टेट विद द रिस्क ऑफ दीज डिजीजेज. सिमिलरली देर आर स्टेट्स लाइक गोवा, देर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र जो कि बहुत वो भी रिस्क में है, एंड देर स्टेट लाइक झारखंड विच हैज़ द लोएस्ट रिस्क इन टर्म्स ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टडी. आई विल बी वेरी ब्रीफ, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है. दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये शो लगातार देखते हैं तो आपको कोई और चीज़ नहीं पढ़नी है, बिकॉज इसमें सब वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में या तो आ चुका है या फिर उसी पैटर्न पर आएगा. सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. चलिए दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. A study based on two recent national surveys of nearly 8 lakh adults between 34 and 70 years has found that people of Kerala across sexes, that is male and female, were the most at risk of cardiovascular disease. आसान भाषा में जो केरला आपका स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा संभावना है किसी व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो या महिला हो, जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या फिर हार्ट अटैक्स यहाँ पर हो सकता है. सेकेंड पॉइंट की बात करें, झारखंड जो कि एक बहुत ही नया स्टेट है, इट हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ केसेस फॉर हार्ट अटैक्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, तो वो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है जो कि अच्छी बात है. अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सेक्सेस, इन टर्म्स ऑफ वुमेन एंड मैन, इन टर्म्स ऑफ द रिस्क टू वुमेन, द गोवा स्टेट हैज़ द हाइएस्ट रिस्क टू वुमेन, दैट इज़ एट 16.73%, वाइल फॉर मैन इट इज़ हिमाचल. तो आई विल बी वेरी ब्रीफ. इन टर्म्स ऑफ टोटल इंक्लूडिंग मेन एंड वुमन, द स्टेट इज केरला. द रिस्क फॉर वुमन इज मच हायर इन गोवा. द रिस्क फॉर मेन इज द हाइएस्ट इन हिमाचल प्रदेश. ऑल राइट, और द रिस्क फॉर वुमन मेन इज हायर इन हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड विच हैव 24.33%. नाउ दिस सर्वे गाइस वाज टेकन आउट बिटवीन 2012 एंड 2014. जरा फिफ्थ पॉइंट को मार्क करिएगा. दिस सर्वे वाज टेकन बिटवीन द पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड द हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ. तो इन दोनों के बीच आपका ये सर्वे हुआ था. ऑल राइट, एंड आखिरी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज is lower in rural areas. ये जो कि सिंपल सा लॉजिक है, ग्रामीण इलाकों में the chances are lower and in urban areas the chances are higher as per the survey. There is only a single state, Goa, जहाँ पर rural areas में chances ज़्यादा हैं, urban में कम है. But apart from Goa, there is in every state the chances of a cardiovascular disease is higher in urban areas and lower in rural areas. So guys, I've covered 6 points. It's a very tricky headline. ये important है आपके RC के लिए, important है आपके जो लोग तैयारी कर रहे हैं SSC का या फिर CLAT का, इनफैक्ट UPSC के लिए बहुत important है. तो एक बार ज़रा कमेंट्स में डाल दीजिएगा, दिस हेडलाइन इज़ क्लियर टू एवरीवन. दिस हेडलाइन गाइज इज़ क्लियर टू एवरीवन, एक बार कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है. ममता गोरी जी, आपका जो सवाल है उसको आप गूगल कर सकती हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. जो टॉप स्टेट है और जो लोएस्ट स्टेट है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको अपने स्टेट के बारे में जानना है, आप बिल्कुल इसके बारे में गूगल कर सकती हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एंड नाउ लेट्स फोकस ऑन आर नेक्स्ट इमेज, जो कि ये रहा आपके सामने. एज डिस्कस्ड अर्लियर गाइज, अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेजेस, नाउ ब्रोकरेजेस आर फर्म्स ऑफ एजेंट्स, फर्म्स ऑफ एक्सपर्ट्स. सो अकॉर्डिंग टू फर्म्स ऑफ एक्सपर्ट्स या अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, मिस्टर संदीप बख्शी will be the next CEO of the ICICI Bank. As discussed earlier guys, Mrs. Chanda Kochar, she is on a leave of absence. She has intentionally taken it. The reason why? Because she does not want to indulge or intervene in the committee findings. Wo nahi chahti hain ki kisi committee findings mein koi baat samne aaye. So according to experts, Sandeep Bakshi can be the next CEO of the ICICI Bank. Ek baar comments mein dal dijiyega agar aapko show pasand aa raha hai. Baki Shivanshu Raj जी के दादाजी मेरे फैन हैं, दादाजी आपको प्रणाम, थैंक यू सो मच फॉर दैट. चलिए अब आपको ले चलें इसी के हिंदू एंड स्टैटिक शॉर्ट्स पे. आई होप मजा आ रहा है दोस्तों, कोई सो नहीं रहा है और सब आँख कान खोल के उल्लू की तरह देख रहे हैं. संदीप बख्शी, हु इज द स्टैंड इन चीफ इन द एब्सेंस ऑफ मिसिज चंदा कोचर, कैन बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द ICICI बैंक. ICICI बैंक के नए अध्यक्ष हो सकते हैं मिस्टर संदीप बख्शी. नाउ अगर हम बात करें तो ये मेरे तरह इंजीनियर हैं. आई एम एन इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स,
Ironically, he is an engineer of mechanical and he has a postgraduate degree in MBA in management as well. And he was earlier the head of the ICICI Prudential, which is the insurance arm of ICICI Bank. So, ye banenge ho sakta hai naye CEO of the ICICI Bank. Chali, aage badhte hain aur ab aapko le chalte hain hamari agli surkhi par, jo ki ye rahi aapke samne. Bahut hi aasan si khabar hai, doston. USA World Cup legend Walter Barr is dead. मैं आपके लिए पहले अंग्रेजी पढ़ूंगा फिर हिंदी पढ़ूंगा आपके लिए. Former USA international Walter Barr is the last surviving member of the team which famously shocked England at the 1950 World Cup has died. He was 91. Barr provided the assist for the goal which handed USA a victory of 1-0 against England in Belo Horizonte, a result regarded as one of the greatest upsets in the World Cup history. So, he was one of the legends of US football. US soccer to be exact, and he has passed away at 91. He made the assist for the goal against England in 1950 World Cup. All right, तो इनका यहाँ पर देहांत हो गया है. जरा वापस स्क्रीन पे आते हैं. So guys, I hope this headline is entirely clear. सवाल आसान सा बनेगा. Walter Barr was related to which sports? The answer will be football. Or the late great footballer Walter Barr hailed from which country? उसका आंसर होगा United States of America. चलिए आगे बढ़ें और अब आपको ले चलें हमारी अगली खबर पे. बाकी कितने इंजीनियर्स हैं हमारे कमेंट सेक्शन में सर वो बता दीजिएगा. Now all to and I watched this match yesterday and I was flabbergasted. I was amazed to no means because England has broken its own record and they have scored 481 runs in a single one day international, in which people like Johnny Bairstow and Alex Hale score centuries, and it is the highest ever score in men's cricket. Interestingly, the second highest score ever, guys, was also done by England. That was done in 2016. So I can safely say that this generation of England cricket, especially the one day cricket, is the golden generation of one day cricket for England. So they've scored 481 for 6 against Australia in Nottingham, and second jo hai wo bhi inhi ke naam hai, that is 444 for 5. Wapas screen pe aate hain, and guys, it is very very interesting because Australian team was once regarded as the best ever one day test team, and unke khilaf itna score karna, it is not a meager feat. So kudos to the team of England, guys. Chaliye aage badhe aur ab aapko le chale hamari agli khabar par, jo ki ye raha ab aapke samne. A rare species of spider has been found again after 150 years. एक अनोखा प्रजाति का स्पाइडर पाया गया है वेस्टर्न घाट्स में. वेस्टर्न घाट्स हमेशा से न्यूज़ में रहता है. सो एक नया और रेयर स्पीशीज पाया गया है इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ स्पाइडर दैट हैज़ बीन फाउंड अगेन आफ्टर 150 ईयर्स. जरा वापस स्क्रीन पे आते हैं. सो गाइज, ये स्पाइडर का नाम क्या है एंड वॉट ऑल आर द डिटेल्स, I'll discuss them in a brief that is called as the Hindu shorts. तो वो ये रहा आपके सामने. Scientists have rediscovered, mark करिएगा, they have rediscovered. It was initially discovered in 1800s and now it has been discovered in the Western Ghats. जरा mark कर दीजिएगा first point को. It has been discovered in the Wayanad Wildlife Sanctuary, which is located in the Western Ghats. तो देखो सवाल यहाँ बन सकता है. मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं पर्सनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का फ़ैन नहीं हूँ, बिकॉज इन एवरी स्टेट वी हैव बाल्टी भर के ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो उससे बेटर है कि आप जो सेंचुरी न्यूज़ में है उसको पढ़ें. सो फॉर एग्जांपल, द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ इन न्यूज़, इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज अ स्पाइडर, अ रेयर स्पाइडर हैज़ बीन फाउंड आउट इन दिस पर्टिकुलर सेंचुरी, एंड ये 150 साल बाद ऐसा हुआ है. नाउ द स्पाइडर belong to a family of jumping spider jiska biological name hai Salticidae, that is the biological name of this particular spider. Now the Center for Animal Taxonomy and Ecology, Christ College, that is in Irina Jalakuda, has rediscovered both the male and the female of these spiders, and wo discover hua hai in the Wayanad Wildlife Sanctuary. To yahan par doston sirf do hi teen cheeze important hai.
पहला चीज़ यहाँ पर है कि द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ रेयर स्पीशीज ऑफ स्पाइडर आफ्टर 150 ईयर्स, नंबर वन. नंबर टू, कहाँ पर? इन द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नंबर थ्री, इट हैज़ बीन फाउंड आउट इन द सेंटर फॉर एनिमल टैक्सोनॉमी एंड इकोलॉजी, वहाँ पर पाया गया है. और दोनों प्रजाति, मेल और फीमेल दोनों को ही यहाँ पर पाया गया है एट द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ऑल राइट, तो ये एक आसान सी खबर है जो कि आपके सामने दिया भी हुआ है. चलिए वापस स्क्रीन पे दोस्तों आते हैं. सो गाइज, यहाँ तक किसी को डाउट? क्योंकि जो अगली खबर है वो बहुत इंटरेस्टिंग सी है, पर एक बहुत ही शोक की खबर भी है. इट्स हेडलाइन ऑफ डेमिस एंड द हेडलाइन इज द ओल्डेस्ट एवर ओरांगुटान एंड द ओल्डेस्ट एवर सुमातरान ओरांगुटान हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 62. इसके 54 डिसेंडेंट्स हैं, मतलब चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन मिला के 54 की इसकी फैमिली थी. एंड ही हैज़ एंड ही She has basically passed away. चलिए दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने. द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सुमात्रान ओरांगुटान विच हैड 11 चिल्ड्रन एंड 54 डिसेंडेंट्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब हैज डाइड एट द एज ऑफ 62. 62 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया है. पुआन उनका नाम था. द नेम वॉज पुआन विच मीन्स लेडी इन इंडोनेशियन. डाइड ऑन मंडे एट पर्थ जू वेयर शी हैड लिव्ड सिंस बींग गिफ्टेड बाई मलेशिया इन 1968. तो शी हैड 11 चिल्ड्रन एंड अ टोटल ऑफ 54 डिसेंडेंट्स इन द US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड द जंगल्स ऑफ सुमात्रा. शी वॉज बॉर्न 1956. शी वॉज नोटेड बाय द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज बींग द ओल्डेस्ट वेरीफाइड सुमात्रान ओरांगुटान इन द वर्ल्ड. फीमेल ओरांगुटान रेयरली लिव बियॉन्ड 50 ईयर्स, पर ये 62 साल तक जी. द ओरांगुटान आर द एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ द ग्रेट एप्स विच वर नेटिव टू द इंडोनेशिया एंड मलेशिया. तो जो ग्रेट एप्स थे मलेशिया इंडोनेशिया में, उसके ये फैमिली हैं. एंड शी हैज़ बेसिकली पास्ड अवे. तो यहाँ पर दो तीन सवाल बनेंगे. सवाल पहला बनेगा द नेम ऑफ द ओरांगुटान, दैट इज़ बेसिकली पुआन. एक और सवाल बनेगा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पर्थ जू एंड शी वॉज 62 ईयर्स ऑफ एज. चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं गाइस. सो वी हैव कवर्ड टिल द टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे 20th June. And now, guys, I want everyone to stay focused on the headlines of the 19th of June. So, चलिए दिखा दें आपको 19th of June का slide. और हम start करेंगे 19th of June की headline से. और ये रहा आपके सामने उसी का हमारा पहला इमेज, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा. ये खबर 20 जून की है. ब्लैक पैंथर हैज़ वन बिग एट द MTV अवार्ड्स. ब्लैक पैंथर हैज़ वन 4 ऑनर्स इंक्लूडिंग 2 अवार्ड्स फॉर स्टार चैडविक बोसमैन. द MTV मूवी एंड द TV अवार्ड्स ये वहाँ पर इनको मिला. Stranger Things was awarded the best television series, winning 4 awards, including a repeat for best show. Mr. Chadwick Boseman, who starred as T'Challa in Black Panther, won the award for the best performance in a movie and quickly handed off his best hero award to James Shaw Jr., who wrestled an assault-style rifle away from a gunman. So basically, simple si khabar hai, Chadwick Boseman mile hai best actor, Stranger Things, the best show, along with other 3 awards. Similarly, yahan par kai aur awards bhi diye gaye. To overall, awards diye gaye to Black Panther and also to Stranger Things. Chali, isko ek baar aap khud se dekh lijiyega, because isko maine dhang se discuss नहीं किया है, बट ये बहुत बड़ी खबर भी नहीं है. तो अगर आप चाहें तो इसको शो के बाद डिस्कस कर लीजिएगा. अब फाइनली आगे बढ़ते हैं अपनी 19th जून हेडलाइंस को. और ये रही आपके सामने द फर्स्ट हेडलाइन, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगी. चंदा कोचर टू गो ऑन लीव टिल प्रोब गेट्स ओवर. वी डिस्कस दिस इन डिटेल. तो एक बार दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट, जहां पर हम डिस्कस अधिक नहीं करेंगे. रिमेन्स MD एंड CEO of Chanda Kochar shall be taken over by the COO of ICICI Bank, that is Ms. Sandeep Bakshi. The bank has appointed the CEO of its life insurance arm, Sandeep Bakshi, as the new chief operating officer who will run the bank during the absence of Ms. Chanda Kochar. Chanda Kochar shall remain and continue as the MD and CEO, but Mr. Bakshi will report to the management in the absence of her leave. Agar hum baat kare zara is point ko mark kariyega, point 4.5 ko. Last month the ICICI Bank ne ek committee banayi thi. That committee was to examine the whistleblower's complaint against Mrs. Kochar for violating the code of conduct of the bank. Us committee ke adhyaksh hain Justice B.N. Shri Krishna, who is a former judge of Supreme Court
who will be head of this particular committee. तो यहाँ देखिए सवाल बनेगा कि who has been appointed as the new COO of ICICI Bank. The answer is संदीप बख्शी. सवाल बनेगा कि who is the head of the committee to examine a whistleblower's complaint against Ms. Kocher. वहाँ जो आंसर बनेगा, that answer guys will be Justice B.N. Sri Krishna. तो ये एक additional जानकारी थी, इसलिए मैंने इस headline को फिर से आपके सामने discuss कर लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही अब आपके सामने. फास्ट पेट्रोल वेसल रानी रश्मोनी हैज़ बीन कमीशन्ड. द लास्ट ऑफ द फाइव फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैज़ बीन कमीशन्ड इन विशाखापट्टनम. इट्स नेम इज़ रानी रश्मोनी. इट वॉज कमीशन्ड बाई एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड मिस्टर VSR मूर्ति, जिन्होंने इसको विशाखापट्टनम में कमीशन किया. तो आइए, अच्छा एक सवाल आ रहा है पीयूष अरोड़ा का, वॉट इज प्रोब. प्रोब इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोब. चल दिखा दें आपको इसी का द हिंदू एंड द स्टैटिक शॉर्ट्स, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. The last of the five patrol vessels of Coast Guard, Rani Rashmoni, was commissioned here in Vishakhapatnam. Rani Rashmoni is basically the founder of the Dakshineshwar Kali Temple. तो ये जिनके नाम पर है वो एक बहुत ही मशहूर रानी थी, जो दक्षिणेश्वर टेम्पल की फाउंडर थी कोलकाता में. शी वॉज ऑल्सो अ क्लोज एसोसिएट ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने ही इनको इस टेम्पल का उन्होंने ही रामकृष्ण परमहंस को इस टेम्पल का प्रीस्ट बनाया था. अगर आप बात करें तो थर्ड पॉइंट को मार्क करिएगा अबाउट रानी रश्मोनी. रानी रश्मोनी इज 51 मीटर्स लॉन्ग, द विथ इज 8.36 मीटर्स एंड इसका जो वेट है दैट इज 346 टन. It is named after the legendary Rani Rashmoni of Kolkata and it has been designed by the Hindustan Shipyard Limited. So, Hindustan Shipyard Limited has been made. It will contain of 4 officers and 34 men and the commander of this ship, this vessel is Navdeep Safaya. The ship will be based at Vishakhapatnam. So, Rani Rashmoni ke naam par hai. She was a prince, she was a queen, she was basically a Rani of Kolkata. She was the founder of Dakshineshwar Kali Temple and unke naam pe ye aapka diya gaya hai. Ek baar zara likh di, ek baar zara comments mein dal dijiye. And if you are loving the entire content guys, give the show a thumbs up so that everyone can make me feel very happy after giving me a thumbs up on this particular show. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने ले चलते हैं हमारी अगली खबर पर, जो कि ये रही आपके सामने गाइस. बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार ये सवाल उठाया गया है कि जो पेपर सेटिंग है दैट शुड हैव अ डिफरेंट रेगुलेटर. एक अलग से रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए फॉर पेपर सेटिंग. तो बिल्कुल उस पर हामी भरी गई है. There is a convention of a new body which will set papers, which will manage the papers. आइए उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं. उस बॉडी का नाम है the National Testing Agency. तो चलिए दिखाते हैं आपको इसी का the Hindu Static Shorts, जो कि ये रहा आपके सामने. The National Testing Agency which is being set up to relieve the Central Board of Secondary Education CBSE of the burden of conducting multiple examinations will also train paper setters. तो इसको जरा मार्क कर दीजिएगा फर्स्ट लाइन को. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द NTA, दिस इज अ न्यू बॉडी दैट विल नाउ कंडक्ट मेजर पेपर्स विच वॉज अर्लियर कंडक्टेड बाय द CBSE. CBSE इससे पहले जो पेपर्स करता था अब उसकी जगह वो करेगा द NTA. द NTA विल कंडक्ट पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल द पेपर्स ऑफ द IIT JEE, पेपर्स लाइक नीट, पेपर्स फॉर एम्स. तो ये सारे पेपर्स यहाँ पर करेगा और ज़रा यहाँ मार्क कर दीजिएगा, लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, एक्सेप्ट द 10th एंड 12th पेपर्स विच विल स्टिल बी कंक्लूडेड डन बाय द CBSE. CBSE हाल फिलहाल 10th 12th के तो पेपर्स करेगा, पर उसके अलावा जितने भी बाकी पेपर्स हैं उनको आपका NTA यहाँ पर करने वाला है. नाउ यहाँ पर ज़रा लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ 25 करोड़ का एक ग्रांट सरकार इनको देगी एंड जिससे कि ये एक फाइनेंशियली सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनने वाली है. तो बहुत ही सिंपल सी दोस्तों खबर है कि जो NTA है दैट विल बेसिकली रिलीव द
द CBSE, एंड अब जो इम्तहान होंगे उसे कौन कराएगा, उसे कराएगा आपका दी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। चलिए एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, सर ये शो किसके किसके लिए है? दोस्तों ये शो हर एग्ज़ाम के लिए है, ये कहना बड़ा मुश्किल है मेरे को कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, पर यह शो हर एग्ज़ाम के लिए है। और दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि करंट अफेयर सिर्फ बैंकिंग में आता है तो वो मूर्ख है, वो बेवकूफ़ है। द रीज़न वाई, बिकॉज करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशंस बट ऑल्सो फॉर योर नॉर्मल स्मार्टनेस। आपको अगर स्मार्ट बनना है तो आपको करंट अफेयर्स आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें और अब आपके सामने ले चलें हमारी नेक्स्ट सवाल पर, जो कि ये रहा आपके सामने। CTET will now be still be continued to be held in 20 languages. 20 भाषाओं में CTET को अब भी कराया जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ है कि according to the Minister of HRD, Mr. Prakash Javadekar, it has convened to the CBSE कि the CTET should be continued to be done in 20 languages. सर यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा सेकेंड पैराग्राफ में द लैंग्वेजेस जिसके लिए CBSE कह रहा था, तो लैंग्वेजेस वर इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। उनके लिए वो कह रहा था कि दीज थ्री लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर्स होगा, पर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द HRD मिनिस्ट्री, अब जो आपका पेपर है ये सारी भाषाओं में होना ज़रूरी है। इन एवरी लैंग्वेज दिस पेपर शुड बी डन। एंड ज़रा यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा लैंग्वेज, देखिए दिया हुआ लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, आसमीज, बांग्ला, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मीज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, टिबेटन एंड उर्दू, इन सारे लैंग्वेजेस में आपका CTET का पेपर अभी भी लगातार होता रहेगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिया भी हुआ है। ऑल राइट, चलिए तो वापस स्क्रीन पे आते हैं। रितु शर्मा जी, अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ शो को तो मैं बीच के शो में आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की कमेंट सेक्शन में। सो CTET विल कंटिन्यू टू बी और CTET विल कंटिन्यू टू बी इन 20 लैंग्वेजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए सामने ले चलते हैं अगली खबर पर। द विश्व भारती यूनिवर्सिटी विल सेटअप अ योगा विलेज, इसका ज़रा नाम मार्क कर दीजिएगा। द विलेज शैल बी मेड इन साइड अ कैंपस एंड द विलेज कैंपस इज नोन एज योगा ग्राम। तो योगा ग्राम जो कि एक विलेज कैंपस है इन द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन कैलकाटा और कोलकाता, वहाँ पर आपका एक योगा विलेज बनेगा। एंड द बिल्डिंग्स जो वहाँ बनेगी उन बिल्डिंग्स का नाम होगा कुठीज और कॉटेजेस, जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट का यहाँ पर बनने वाली हैं। तो चलिए वेदर वापस स्क्रीन पर आ जाए। सो अकॉर्डिंग टू द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये न्यूज़ में था, बिकॉज अ बांग्ला भवन हैज़ बीन सेटअप बाय द बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर मिस शेख हसीना। सिमिलरली अ डॉक्टर वॉज ऑल्सो गिवन टू दीज पीपल फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़, तो इसलिए भी आपका ये न्यूज़ में था। एंड वहाँ पर अब आपका एक योगा विलेज भी, एक योगा सेंटर भी बनने वाला है एट द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। नाउ आई हैव अ क्वेरी, आई हैव अ क्यूरियोसिटी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम कोलकाता, कितने लोग हैं कमेंट सेक्शन में जो कि कोलकाता से हैं, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सब लोग इस शो को बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें और अब आपके सामने ले चलें हमारी अगली सुर्खी, इसको स्किप कर दीजिए। हाँ, रोड मैप हैज़ बीन लेड फॉर द इंडिया US मीट, ज़रा वापस स्क्रीन पे आ जाएं गाइस। नाउ बिफोर डिस्कसिंग इट, कैन आई जस्ट हैव अ येस इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज बहुत हेडलाइंस हमने ऑलरेडी कवर की हैं, अब हम और हेडलाइंस को कवर भी करेंगे। एक बार लिख दीजिए कमेंट्स में, येस सर वी आर फोकसिंग, बिकॉज ये बड़ी खबर है, इसमें सवाल बनता है एग्जाम में। नाउ गाइस, As discussed earlier, मैं डिस्कस पहले किया था कि there are 3 to 4 agreements, the most important agreements that US does with other nations. ऐसे करीब 3 से 4 agreements हैं जिनको US करता है दुनिया के साथ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो उन चारों में से what are the top 3 important agreements, उसके लिए दिखाते हैं आपको अगला स्लाइड गाइज, आपके सामने अब आ जाएगा। ये रहे आपके सामने 3 agreements। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज कॉमकासा, इसको ज़रा मार्क करिएगा, इसका फुल फॉर्म है द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, which basically facilitates transfer of encrypted communication systems and is a key requirement for US to share high-tech military hardware. तो 3 आपके बहुत important military agreements हैं, जिनमें पहला है कॉमकासा,
नाउ गाइस, कॉमकासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट विच विल फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम US टू इंडिया। तो ये पहला है। सेकेंड है आपका बेका, दिया हुआ है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स डेटा अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ लैंड एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द ज्योग्राफिकल डेटा। उसका नाम है बेका। बेका स्टैंड फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। तो देखिए दो चीज़ें हो गई, पहला हो गया कॉमकासा, सेकेंड हो गया आपका बेका, एंड थर्ड है आपका लेमोवा, दिया हुआ है साइड में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम अग्रीमेंट विच विल अलाउ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अमंग ईच अदर। देखिए यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ फुल फॉर्म को रट्टा मारना है, एंड द फुल फॉर्म्स ऑफ यू हैव द रट्टाफिकेशन शुड बी डन बाय कॉमकासा, बेका एंड लेमोवा। इनके सिर्फ फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाकी मत समझ। देखो अजय पांडे जी, आप अपना नाम चेंज कर लो मेरे भाई, इसके लिए पिताजी का नाम है आपका। देखिए तीन चीज़ें हैं ये, अगर आप घुसेंगे बहुत ज़्यादा डीप में तो फंस जाएंगे। सो ओनली अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म्स, कॉमकासा का फुल फॉर्म, लेमोवा का फुल फॉर्म, एंड ऑल्सो द फुल फॉर्म ऑफ बेका। चलिए अब आपको ले चलें इसी हेडलाइन पर, जो कि ये रही अब आपके सामने। इंडियन यूएस एक्सपर्ट्स विल बिगिन अ 3-डे कंसल्टेशन प्रोग्राम टू फाइंड मीटिंग पॉइंट्स इन बायलैटरल रिलेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस इन वॉशिंगटन। जुलाई महीने में वॉशिंगटन में आपका एक मीट होगा, दैट मीट विल बी अ 2+2 अग्रीमेंट, जहाँ पर द मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस एंड फॉरन अफेयर्स मिनिस्टर दे विल मीट द काउंटर पार्ट्स इन US। यहाँ पर फोकस रहेगा द साइनिंग अप ऑफ कॉमकासा विच इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, इस पर वो फोकस करेंगे। देखिए दो अग्रीमेंट्स हैं जिस पर इंडिया ने साइन नहीं किया है, दैट इज कॉमकासा एंड बेका, इन दोनों पे साइन करने की बात की जाएगी। एंड और जरा 6 पॉइंट को देखिएगा, इंडिया हैज ऑलरेडी साइंड लेमोवा विच विल प्रोवाइड एक्सेस टू बोथ द नेशंस फॉर दे मिलिट्री फैसिलिटीज, जो इसको ऑलरेडी साइन किया है, पर अभी उसने कॉमकासा और बेका को साइन नहीं किया है। सो चांसेस हैं कि कॉमकासा और बेका को यहाँ पर साइन किया जाए। जरा वापस स्क्रीन पर आ जाए दोस्तों। तो दोस्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, अगर आप तैयारी अगर UPSC की भी कर रहे हैं तो यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड देर आर 3 अग्रीमेंट्स, कॉमकासा, बेका एंड लेमोवा। India has already signed Lemova and they will sign Comcasa and Beka. Comcasa is for information of communications and Beka is for information of the geographical lands. All right? उनके ऊपर है। Similarly, Lemova is information of military centers. तो ये तीनों को वो sign, दो एक sign कर चुका है, दो को वो आगे चलकर sign यहाँ पर कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली सुर्खी पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर। RBI has altered the definition of relatives as per the government. उन्होंने जो definition है relatives की, उसको एक तरह से change करने की यहाँ पर बात किया है। उनका मानना है कि only the close relatives, जो एकदम सगे संबंधी हैं, सिर्फ इनको ही count किया जाए, बाकियों को यहाँ पर count ना किया जाए। इसको लेकर यहाँ पर एक update दिया गया है, जो कि screen पर भी already आप फिलहाल देख रहे हैं। तो ज़रा वापस स्क्रीन पर आ जाएँ। सो देखिए मुद्दे की बात यहां पर दोस्तों यही है कि RBI is basically trying to ऑल्टर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स, संबंधी की जो डेफिनेशन है उसको चेंज करने की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए दिखा दें इसी का द हिंदू स्टैटिक शॉट, जो कि ये रहा आपके सामने। कंसर्न ओवर फंड्स सेंट अब्रॉड अंडर द मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स कैटेगरी ऑफ द LRS स्कीम। देखिए LRS इज अ स्कीम फॉर ट्रांसफर्स फ्रॉम वन टू द अदर। यहाँ पर एक सवाल बनेगा रेमिटेंस। देखिए रेमिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। तो उसके लिए जो रिलेटिव्स का डेफिनेशन है उसमें चेंज किया गया है, ओनली द क्लोज रिलेटिव्स आर अलाउड टू बी सेंड फंड्स इमीडिएटली, बाकी लोगों को यहां पर फंड सेंड करने की बात नहीं की गई है। रेमिटेंस मुंतकीम आलम मींस ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन टू द अदर, वो यहां पर कहा गया, तो वो अब सिर्फ यहां पर हो पाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, जरा वापस स्क्रीन पर आ जाए दोस्तों।
यहीं पर रोकते हैं अपने शो को, बिकॉज नेक्स्ट शो लेट हो जाएगा काफ़ी। पर जाने से पहले एक बार दिखा दें स्लाइड हमारा SBI फेस ऑफ का, जो कि होने वाला है बहुत जल्द। एंड इसके लिए यू कैन यूज़ द कोड SBIPO18 एंड गेट दिस एग्जाम फॉर फ्री। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ फेस ऑफ, वी आर हैविंग एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर SBIPO प्रीलिम्स 2018, जो कि होगा आपका 12 से 4 के बीच ऑन 27 जून। देखिए ये आपका डिटेल्स अवेलेबल हैं बैंकर्स अड्डा पे, और अगर आप कोड यूज़ करते हैं SBIPO18 तो यू विल गेट इट फॉर फ्री। सो इसको सब लोग यहाँ पर देंगे, और ये पहली बार ऑल इंडिया लेवल का SBIPO प्री को लेकर हमारा एक नेशनल लेवल का मॉक टेस्ट है, सब लोग इसको यहाँ पर देंगे। चलिए वापस स्क्रीन पे आते हैं। सो गाइज विद दिस विल कम टू एन एंड, दिखा दें अब हमारी लास्ट स्लाइड जो कि ये रही अब आपके सामने। रोशन जी प्रमोशन नहीं है, फ्री में कोई चीज़ देते हैं तो उसको प्रमोशन मानते हो क्या भैया, क्या बात है। लाइफ हैज़ टू रूल्स, नंबर वन नेवर क्विट, एंड नंबर टू ऑलवेज रिमेंबर रूल वन, दैट इज टू नेवर क्विट। सो लाइफ हैज़ टू रूल्स, नेवर एवर 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 क्विट गाइज। विद दिस दिस इज कुश पांडे, थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, एंड अच्छा लगेगा कल आप आज इस शो को आप और लोग को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम इसी जगह। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइज।